वेलकम बैक टू अवर चैनल तेजा ब्लॉग। साथ ही ताप्ती अर्जुन मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मृत्युंजय पटेल, साथ में सूर्या दीदी है और मैं हूं मुल्ताई के अंबेडकर चौक से लाइव। तो जो जो मेरे दर्शक मतलब लाइव में अभी आई थिंक बिजी भी होंगे, तो आप सभी लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। हम लोग अब चलने वाले हैं रोड ट्रिप पर। इसके अलावा मुल्ताई में आज जो रश है रक्षाबंधन को लेकर, आपको पता होगा कि हमारे बहुत बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष आचार्यों ने आज रात 9:02 से सुबह तकरीबन 7:00 तक का मुहूर्त निकाला है रक्षाबंधन को लेकर। पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी रात 9:00 के बाद का मुहूर्त निकाला है। तो अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है, तो हम वही एक राउंड लेते हैं, बैक कैमरे से हम बात करते रहेंगे। तो गाइज जो जो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे। अम्बेडकर चौक मुल्ताई, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं विदाई और थोड़ा रात का माहौल है गाइस, तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि क्वालिटी और आवाज़, मैं यहाँ पर आया था तो कोई काम वगैरह के लिए आया था, बट बहुत दिन से हमारे बहुत टाइम से नॉट दिन से कल ही तो मैंने लाइव किया था, बधाई भी दे लेना। तो गाइस कल 31 अगस्त है और भुजलिया का पावन पर्व है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित है भुजलिया के पर्व पर। मुल्ताई क्षेत्र में अखाड़े निकाले जाते हैं, तो आप सभी पहुँचे और पवारा चौक पर, जयस्तंभ चौक पर, गांधी चौक पर, ऐसे प्रमुख चौक चौराहों पर भुजलिया पर्व को लेकर अखाड़ों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक नवदुर्गा अखाड़ा मुल्ताई हम लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। और आज 30 अगस्त को पावन पर्व रक्षाबंधन, भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार, उसकी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीदी बोल रही है कि बहुत भारी भारी शब्द आ रहे हैं, है ना। हम लोग गाइस अभी मस्जिद के सामने हैं। कल के लिए कुछ मेडिकल से तो लेना नहीं है, नहीं ले रहे, तो मस्जिद के ठीक सामने हम ओम रेडीमेड वगैरह, अभी तो इस पर प्रचार हो गया है गाइस, ऑनलाइन आ गई जनता। अब हम लोग एक बार आपको मार्केट का रश दिखाएंगे, ताप्ती जी का एक छोटा सा परिक्रमा लगाएंगे और फिर घर को जाएंगे। बजरंग दल चौक रश देखिए, अभी 8:00 है तकरीबन, अभी तो कम हो गया था। हाँ थोड़ी देर पहले था, है ना, तकरीबन 20-30 मिनट पहले हम लोग यहीं से गए थे, तो बहुत ज़्यादा रश था। आवाज़ कैसी आ रही है गाइस बताइएगा। और ये हम लोग हैं अभी बजरंग अखाड़े के सामने, ये वाला जो अखाड़ा है ना यहाँ मुल्ताई में, ये वाला अखाड़ा, तो जय बजरंग बली। और हम यहाँ से चलने वाले आगे की तरफ गणपति घाट, यहाँ पर है और जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक जो आज बंद है गाइस, बट ये वाला जो चौक है हमारे यहाँ का मेन चौराहा बोलना चाहिए, राखी का जो मार्केट है वो यहीं पर लगा हुआ है। और दिन में आप आएंगे तो यहाँ पर पता नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई आजकल, उसका मेन कारण है माँ ताप्ती का यहीं पे पास में होना, है ना। हाँ हाँ, तो गाइस उधर से आकर हम लोग परिक्रमा लगाएंगे, ये थाने के पास है हम लोग, और थाने के पास से जाएंगे बस स्टैंड तरफ, है ना, घर चलते हैं, मेरे को भी जाना है। 13-2-3 मिनट तो हो जाएंगे, 13-14 ठीक है। मुल्ताई थाने के पास से हैं, हमारी बाइक जा रही है और काली मंदिर, जय माँ काली, काली मंदिर अभी भी गया हुआ है गाइज। माँ काली के जितने भी भक्त हैं, भद्रकाली के भक्त, वो जरूर जय माँ भद्रकाली का कमेंट लिख दीजिए, जय माँ काली। अब आप बताइएगा, हम लोग तो अभी यहाँ पर है, अंधेरे में भी आपको क्वालिटी अच्छी नजर आ रही है, राइट लेफ्ट, सीधे सीधे चलो, इधर साइड हमारा घर है, हम चल रहे हैं सीधे। पहले जो झंडे के लिए कुछ सेक्शंस बनाए गए थे गाइस, तो रात में झंडा नहीं फहरा सकते थे, बट अभी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं उसमें, यहीं से चलते हैं सर, यहीं से पलटा लेते क्या, नहीं यहीं से चलो ना बस स्टैंड तरफ से, और अपन फिर उधर चल लेंगे ताप्ती जी के पास। तो ये झंडा आपको दिख रहा होगा, तो अमेंडमेंट की बात कर रहा था मैं, तो अमेंडमेंट होने के बाद अब झंडा जो है वो आप रात में भी फहरा सकते हैं,
कभी भी कोई भी, पहले तो सारे इसमें मतलब सैल्यूट और रात में झंडे को झुकाना नीचे कर लेना, ये सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। अभी बहुत सारा उसे रिलैक्सेशन दे दिया गया है। हाँ तो उसका तिरस्कार माना जाता, हाँ पहले उसका तिरस्कार माना जाता था, अब एक तरह से गर्वित माने लगे। ये वाला जो आपको रोड नज़र आ रहा है गाइस, अभी अंधेरा मिलेगा आपको, बट हम लोग यहीं से चलेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रकों की या फिर जो चार पहिया वाहनों की जो बॉडी वगैरह होती है, मेकिंग का काम होता है। अंधेरा आ रहा होगा मुझे पता है, बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और गाड़ी हमारी जो है इसमें कैमरे में बहुत अच्छा आ रहा है पता है। सामने शनि तालाब आ गया है, हम यहीं से टर्न होकर के जाने वाले माँ ताप्ती के पास, वहाँ तक अगर बीच में वो ना लगा हो नीच, क्या बोलते हैं उसको, रोड़ा बंद, क्या बोलना चाहिए, जो भी बोले रोड़ा। ये शनि तालाब रात में यहाँ पर भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए गाइस, आप क्या बोलते हैं, चारों तरफ से तो ये भी कितना खूबसूरत बन जाएगा ना। तो ताप्ती जी का एक और किनारा मतलब दो हो जाएंगे, तो लोग यहाँ पर भी घूमने आ सकते हैं। ये बात हम लोग हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से जरूर उठाएंगे। और वैसे भी अब अपने रेलवे स्टेशन जो घूमने की जगह हुआ करती थी, हाँ वो भी धीरे से बंद हो जाएगी, बट लोग घूमेंगे कहाँ पे, खुला है ये गाइस, खुला हुआ है, वैसे तो हम भी खुलवा सकते हैं बट ठीक है। चलो अभी माँ ताप्ती के पास तक चलिए, राइट साइड, हाँ राइट साइड मुड़ते हैं हम लोग। और हम माँ ताप्ती के तीरे आ गए हैं, लोगों से मेल मुलाकात का दौर बढ़िया जारी है, आपसी सौहार्द का त्यौहार रक्षाबंधन, दो परिवारों को मिलाने का भी एक तरह से क्या बोलना चाहिए, अनप्लान्ड ओकेजन है। वाह वाह, आगे बढ़े चलना तो साथ में हमारे नन्हे मुन्ने भाई लोग। चल गाइस दूसरे इसमें हम लोग देखते हैं, हाँ बोलो ना, लाइव चल रहा है, बोलो लाइव चल रहा है, हाँ बोलो। अरे वो एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो हमारा बनाने को नहीं मतलब मंच की तरफ से इसने राखी और वो क्या ट्रॉफी बांटी है के लिए, पापा ने उसका वीडियो देंगे तो आपको हाँ चलाएंगे ना, मेरा नंबर है किसी के पास ले लेंगे, मेरा नंबर बोलो, आपका नाम बता दो जब तक दर्शकों को। गौरव साहब आज क्या किया आपने, लोगों ने आज जो हमारी बहनें हैं वो हमारी तरफ से एक लिफाफे में शुभकामनाएं और राखी और उसके साथ साथ एक मिठाई वो हमारी तरफ से हिंदू युवा मंच की तरफ से सभी बहनों को बांटी गई। तो ये हिंदू युवा मंच जो है आपका, हिंदू युवा मंच ये कैसा क्या कार्य कर रहा है? हिंदू युवा मंच हम जो यूथ है मुलताई के लड़के वो हर हफ्ते किसी के जन्मदिन पे या फिर हर हफ्ते हमारा एक दिन फिक्स है उस दिन गरीबों में खाना बांटना है। और जैसे अभी त्यौहार है तो त्यौहार पर जो हम लड़कों से हो पाता है जैसे आज राखी बांटना मिठाई बांटना हमारे बहनों में, उनको कोई समस्या होती है तो वो हमसे संपर्क कर सकती है। उसके पहले आपका नंबर हमें दे दीजिएगा, हम चैनल पर नीचे चलाएंगे तीन चार नंबर जो आपके ऑफिशियली हिंदू युवा मंच के होंगे। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ होती है, बहुत सारे मतलब चीज़ें होती है जो आपका सार्वजनिक संगठन उसको आसानी से सॉल्व आउट कर सकता है, है ना। तो हम वो आपके नंबर भी चला देंगे और व्यवस्थित जो भी आपकी न्यूज़ होगी तो आप मुझे भेज देना, नंबर मैंने दे दिया आपको, ठीक है बाय। तो गाइस हमको हिंदू युवा मंच हमारा नया जो मंच बना हुआ है तो उसके साथीगण मिल गए थे भैया, बस बढ़िया आपको भी। तो गाइस जगदीश मंदिर तो दिख जाएगा। अरे और चेतन क्या हाल चाल है, क्या था, और अंकल कैसे हैं,
तो गाइस हमारे साथीगण भी हमको मिल गए, मतलब साथी नहीं हमारे साथ के वो, नमस्ते। भैया तो गाइस इधर आ गया आपको शंकर जी का मंदिर, तो आप ऐसे आते रहेंगे तो बहुत सारे लोगों से हम बात करवाते रहेंगे। आज ताप्ती जी का एक और दर्शन बनता है। आज का जो श्रृंगार है माँ ताप्ती का थोड़ा सा अलग है, और एम्बुलेंस की आवाज़ भी आ रही है इधर से मुझे। हम चलते हैं माँ ताप्ती के पास थोड़ा सा, और अंदर देखिए आप, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ से अब चलते आगे, हाँ फिर से आते हैं ऑनलाइन गाइस।